सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल समाधान चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान चैनल। चलिए कुछ नया सीखते हैं। अगर यदि आप एक सीएससी वीएलई हैं और आपने सीएससी आईआरसीटीसी एजेंट के लिए अप्लाई किया है, जिन वीएलई भाई बहनों को आईडी पासवर्ड यूजर आईडी वगैरह मिल चुके हैं उन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन कुछ वीएलई भाई बहन ऐसे भी हैं जिन लोगों को ना ही किसी प्रकार का ईमेल प्राप्त हुआ है। अगर यदि कुछ लोगों को ईमेल प्राप्त हुआ है तो उन्हें वेरिफिकेशन कोड जो है ना ईमेल पर ना मोबाइल नंबर पर प्राप्त नहीं हुआ, तो ये उन लोगों के लिए काफी लाभदायक वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, आपकी सारी समस्या का समाधान इस वीडियो में जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश, इसी प्रकार की और भी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए और उनका लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार की सारी वीडियोस का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे। अगर यदि आपने सीएससी आईआरसीटीसी एजेंट के लिए अप्लाई किया था, आपके पास में मेल तो आ चुका है, आईडी पासवर्ड प्रोफाइल ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब चीज आपको मिल चुकी, लेकिन आप जैसे क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं आपको वहां पर आपका वेरिफिकेशन कोड डालने के लिए कहा जाता है। लेकिन वहां पर देखा यह जाता है कि कुछ वीएलई भाइयों को वहां पर वेरिफिकेशन जो कोड है वो प्रोवाइड नहीं करवाया गया। अब ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये लोग हो गए, अब दूसरे वो लोग जिन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो लोग कैसे अपना यूजर आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, और तीसरे वो लोग जिन लोगों का अभी तक में कोई भी पता ही नहीं कि उनका सिचुएशन क्या है, कैसे क्या प्रोसेस अभी उनकी हुई है, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी उनको नहीं मिल रही है, अब उनका फॉर्म रिजेक्ट है या नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम लाइन से सब चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और ईमेल प्राप्त हो चुका है लेकिन वेरिफिकेशन कोड प्राप्त नहीं हुआ। तो चलिए उसके लिए हम चलते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि आप दोबारा से वेरिफिकेशन कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आपके सीएससी डैशबोर्ड पर आ जाना है। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पर नीचे देखेंगे सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको टिकट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको टिकट क्रिएट करना है। यहाँ पर क्रिएट टिकट पर जा करके यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन सीएससी प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर देना है। सब्जेक्ट पर आप लोगों को आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट कोड करके डाल देना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को ट्रेवल पर क्लिक कर देना है। कैटेगरी में यहाँ आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर भी आपको शॉर्ट फॉर्म में मैसेज लिखना है। मैसेज में क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। 100% आपके पास में ईमेल पर आपको कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिनके पास में ईमेल आ चुका है लेकिन वेरिफिकेशन कोड अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए ये प्रोसेस सबसे ज्यादा लाभदायक है, तो वो लोग इस प्रोसेस को उपयोग में ला सकते हैं। ये चीज यहाँ पर शॉर्ट पर लिख देना है और यहाँ पर आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन कोड, ठीक है, और इसे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आप 3 से 5 घंटे के बाद देखेंगे या फिर 12 घंटे के बाद आप देखेंगे, वैसे बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाता है। आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई में क्या देखने के लिए मिलेगा, मुझे यहाँ पर 2 मैसेज प्राप्त हुए थे लेकिन मैंने गलत मैसेज टाइप किया था, इसकी वजह से शायद उनको अंडरस्टैंड नहीं हो पाया। मैंने इस मैसेज को लेकर पहुँचाया तो वहाँ से मुझे ये मैसेज प्राप्त हुआ है, डियर वीएलई थैंक यू फॉर राइटिंग विथ अस, और यहाँ पर लिखा है कि मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मुझे कुछ ही समय में एक्टिव कोड पहुंचा दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर के इसे एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर मुझे ईमेल यूजर आईडी जो कि पिछली बार प्राप्त हुई थी, लेकिन यहां पर जो मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। तो यहां पर यूर एसएमएस कोड इज, ये कोड जो आपको दिखाई दे रहा है इस कोड को डाल करके आपको वेरीफाई करना है, ये कटा नहीं है, ये वेरीफाई कोड आया हुआ है। यहां पर क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है, इस कोड को यहां पर टाइप करके और इसे एक्टिवेट कर देना। जैसे आप यहां एक्टिवेट करेंगे तो यहां पर ऊपर एक लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आपको ये आपका जो नया पासवर्ड जो प्राप्त हुआ प्रोफाइल का उसे डाल करके आप वहां पर चाहे तो इसे पासवर्ड को बदल सकते हैं या तो आप उसे सेम वैसे ही रहने दे सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको सीएससी पर जाना है और यहां पर आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन देखा गया कि काफी सारे लोगों को यहां से कोड प्राप्त नहीं होता है, जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो फाइंड आउट योर आईआरसीटीसी एजेंट कोड पर क्लिक कर से यहां से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देख सकते हैं काफी सारे लोगों को सबमिट करने के बाद भी यहां पर एजेंट कोड प्राप्त नहीं होता है। इस सिचुएशन में आपको जो मैंने अभी प्रोसेस बताया है इस प्रोसेस को आपको करना है। अब अगर यदि आपको किसी भी प्रकार का मेल प्राप्त नहीं हुआ है और आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब जिन्हें ईमेल या किसी प्रकार का कोई मोबाइल मैसेज भी नहीं आया वो कैसे कर सकते हैं, आप लोगों की घबराने की कोई बात नहीं है। अगर यदि आप लोगों ने भी आईआरसीटीसी में एजेंट रजिस्ट्रेशन की अप्लाई किया था, आप लोगों को करना क्या है, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। आप लोगों को इस वेबसाइट पर आ जाना है आईआरसीटीसी.co.in पर। यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है।
सबसे नीचे आप आएंगे यहाँ पर आपको एक एजेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आकर के फाइंड NGET एजेंट्स पर क्लिक कर देना आप। अब आपका जो एरिया पोस्टल कोड है उससे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, पिन कोड जो पोस्टल कोड होता है आपके एरिया का वो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी एजेंट हैं उनके नाम, एड्रेस, फोन नंबर, सिटी और यहाँ पर उनका यूज़र आईडी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी अपना नाम देख सकते हैं, नाम, शॉप नेम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आपके नाम के सामने आपका यूज़र आईडी मिल जाएगा। तो ये था सेकेंड ऑप्शन जो कि आप अपना यूज़र आईडी पा सकते हैं। अगर अभी आपको यूज़र आईडी मिल गया लेकिन पासवर्ड नहीं मिला है तो सेकेंड ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से टिकट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कैटेगरी वगैरह सब वही डाल देना है, बस ऊपर मेंशन कर देना है। आप यहाँ पर क्रिएट टिकट पर आकर के आपको पूरी पुरानी विधि है, यहाँ पर आकर के आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख देना है अगर यदि आपको मेल प्राप्त नहीं हो तो, बाय आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल, और यहाँ पर आपको कैटेगरी वही डाल देना है ट्रेवल, और यहाँ पर IRCTC रजिस्ट्रेशन शॉर्ट पर लिख देना है कि नॉट रिसीव्ड एनी मेल, और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। या तो फिर आपको अगर यदि तो था मेल के लिए कि आपको मेल प्राप्त नहीं हुआ, इसी प्रकार से अगर यदि आपको यूज़र आईडी यहाँ से आपने फाइंड कर लिया, आपको पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ तो पासवर्ड के लिए भी आप यहाँ पर इसी प्रकार से टिकट क्रिएट कर सकते हैं, या तो एक पासवर्ड फॉरगेट करके भी आप यहाँ से जो है आप अपना यूज़र आईडी आपने वहाँ से कॉपी कर लिया होगा, लॉगिन पर आ जाना है, फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना, तो यहाँ से आपका जो यूज़र आईडी आपने वहाँ से सर्च किया यूज़र आईडी डाल देना, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना और सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड पहुँच जाएगा। दो ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन अब उन लोगों के लिए है। अब अगर यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का ना मेल प्राप्त हुआ है ना किसी प्रकार का कोई मैसेज प्राप्त हुआ है तो आप लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि सभी को ध्यान देने लायक बात है। हो सकता है कि आपने आपके आधार पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो वो रजिस्ट्रेशन के वक्त ना डाला हो। एक बात का हमेशा याद रखें, आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड में लिंक होना जरूरी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे में सिर्फ आधार में मैंने मोबाइल नंबर चेंज कराया, ईमेल आईडी में दूसरी ईमेल आईडी से ही वेरीफाई करवा चुका, लेकिन काफी लोगों के साथ में समस्या आ सकती है। आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी रजिस्ट्रेशन में डाला था अगर यदि वो आपके आधार से लिंक नहीं है तो आप अपना आधार में अपडेट करवा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार अब नहीं किया जा सकता। या तो अगर यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसके लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर आई बटन पर यहाँ या यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है किसी भी प्रकार से IRCTC में रजिस्टर्ड पहले से नहीं होना चाहिए। अगर यदि आप चाहते हैं कि आधार कार्ड का जो भी आपका मोबाइल नंबर है पहले IRCTC में अकाउंट में रजिस्टर्ड है तो आप वहां पर जाकर के उस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, उसके 24-48 घंटे के बाद आप अपने CSC IRCTC एजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था उनको किसी प्रकार का कोई भी वहां से रिप्लाई नहीं आया तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, या तो फिर आप लोग भी अपने CSC पोर्टल में जाकर सपोर्ट के अंदर जाकर टिकट क्रिएट कर सकते हैं और वहां से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी सारी की सारी वीडियोस का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगले कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम।